गुड मॉर्निंग. अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10. अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:30. मैं सुबह जल्दी उठ गया था. अभी मुझे आज निकलना है 1 बजे, घर देखने जाना है. तो आज घर देखने जाएंगे, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा, जिम जाऊँगा और आज ख़त्म. बस खाना बनाएंगे, ख़त्म. क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, ये एक मीटिंग है. सुबह सुबह 8 बजे की मीटिंग है, तो 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा. तो चलते हैं, अभी थोड़ा रेडी होते हैं और या तो अभी जिम चला जाता हूँ या फिर आके जिम जाऊँगा, तो देखते हैं. तो आ गया हूँ मैं यहाँ पे न्यूपोर्ट मॉल में. जस्ट सैलेड है, शायद खुला होगा आज, वहीं चलते हैं. एक सैलेड का बोल जल्दी 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 खाते हैं, क्योंकि वहाँ 1 बजे मिलना है और एक मैंने देखा 50 मिनट या 40 मिनट का रास्ता है. तो 12 बजे निकलूँगा, तो 12 बजे तो वो ट्रेन आएगी भी नहीं. और 40 मिनट का रास्ता है बाई ट्रेन और बस. तो बस तो मैं लेता नहीं हूँ, मेरे को अच्छी नहीं लगती बस लेना, तो पैदल ही चलना पड़ेगा. तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा. 1 बजे पहुँचूँगा, 1:15 बजे तक. 10-5 मिनट लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अभी तो चलते हैं जस्ट सैलेड पे. ये देखो, उस दिन तो इतनी भीड़ थी, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाया है. आज पूरा खाली है. संडे को कोई खाता ही नहीं है यहाँ पे. संडे को किसी को सैलेड नहीं खाना अपने अलावा. तो ये ऑप्शन रहते हैं, आप एक बोल लो उसमें आपको कौन सा ग्रीन चाहिए. तो ये टॉपिंग्स होते हैं, फिर आप पहले तो आप वहाँ से अपने ग्रीन्स लेते हो, फिर ये 4 फ्री मिलते हैं आपको, इनमें से डलवाते हो आप. फिर उसके बाद प्रोटीन सिलेक्ट कर लो, तो मैं तो टोफू लेता हूँ. फिर चीज़ होती है, फिर ये सॉस होती है, मिक्स हो जाती है और ख़त्म, मिक्स कर देते हैं. तो ये बन गया मेरा बोल, व्यू के साथ इंजॉय करते हैं इसको. ट्रेजिडी हो गई, ट्रेन आई. मैं जैसे ही नीचे आया वैसे ही ट्रेन चली गई. तो अभी बैठा हूँ, अभी 5-10 मिनट बाद आएगी ट्रेन. ये यहाँ पे जर्सी में वीकेंड में प्रॉब्लम यही होती है कि ट्रेन ही नहीं आती है, आधा आधा घंटे की ड्यूरेशन में आती है. और मोस्टली जर्सी में कुछ है नहीं करने को ज़्यादा, जर्सी सिटी में इटसेल्फ. अभी 2.5 साल हो गए, थोड़ा जितना देखना था देख लिया. सब कुछ न्यूयॉर्क में ही है, बहुत बड़े बड़े बरोज हैं, अलग अलग जगह जा सकते हो. तो हर इंसान वीकेंड पे ही न्यूयॉर्क जाता है और वीकेंड पे ही ये लोग ट्रेन कम कर देते हैं. उसका कुछ रीज़न है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता. तो एनीवेज कल होली थी घर पे, काफ़ी मिस कर रहा था घर पे जाने को. मतलब अलग ही माहौल रहता है होली का तो अपने घर पे इंडिया में. कोई बात नहीं, 1-2 साल में तो फिर परमानेंटली शिफ्ट ही होना है अपने देश, अपने गाँव. वहीं पर मजे करेंगे, वहीं पर फिर हर साल होली मनाएंगे. स्टेशन पे आ गए हैं अब. स्टेशन से तो बाहर आ गया मैं. अब यहाँ से अराउंड 20 मिनट का वॉक है. मैं या तो बस लूँ या वॉक करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ वॉक ही कर लूँ. माहौल भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, और ऐसे में क्या होगा ना, पता भी चल जाएगा एरिया कैसा है. एरिया जानना बहुत ज़रूरी है. रात में कभी लेट आएंगे या ऑफिस से लेट हो गए, ट्रेन नहीं चली, पैदल आना पड़ा, तो वो भी देखने को हो जाएगा. चलते हैं अभी. तो गाइस, आपको ये रास्ता याद होगा, ये पीछे वाला जो रास्ता है वो स्टारबक्स कैफे वाला रास्ता है. ये एरिया को ईस्ट विलेज बोलते हैं और यहीं है मेरा घर, होने वाला घर होपफुली. ये देख रहे हो आप कोने में, इस यहाँ से थोड़ा आधा माइल और है. ये आप कोने में देख रहे हो, ये एक यूक्रेनियन रेस्टोरेंट है. तो जब वॉर हुआ था तो ये रेस्टोरेंट मदद भेज रहा था, तो बहुत लोग आ गए सपोर्ट करने. वैसे तो लेकिन अब चलने लग गया है क्योंकि ये लोग मदद भेजते हैं यूक्रेन में. फिर तभी आजकल इतनी लंबी लंबी लाइन है, सब यहाँ पर डाइन इन करते हैं और ये लोग कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं उसमें.
तो अभी यहाँ से आधा माइल और है। गाइस घर तो देख लिया है लेकिन आप गेस करो अभी मैं कहाँ आया हूँ। अरे मेरे हाथ में सामान है, एक मिनट। ये वही है वो ये भाई भाई तो बाल से आदमी अलग लग रहा था तो यार बुती रहती है यार किसके प्रेमी क्या दिक्कत है। यूटर्न मार ली भाई गाड़ी। सो यूटर्न मार ली गाड़ी गाड़ी यूटर्न मार ली गाड़ी। गाइस तो क्या हुआ है कि घर वो वाला तो कैंसिल कर दिया मैंने, उसका रेंट इतना ज्यादा और कमरा इतना छोटा, वो मुन्ना भाई वाली फीलिंग आ रही थी सर्किट बोलता है जिसमें भाई ये तो चालू होते ही खत्म हो गया और रेंट इतना आर पार उसका, पुरानी बिल्डिंग बालकनी में भी व्यू जो है वो फ्रंट का नहीं है सड़क का, वो पीछे का बैकयार्ड का व्यू है, उसके नीचे उसका जिनका बैकयार्ड है वो उसका कचरा पट्टी पड़ा हुआ है, तो मना कर दिया मैंने उनको लेने से। तो अब ऑफिशियली अपन 15 मार्च के बाद हो गए हैं बेघर। तो अभी थोड़े टाइम के लिए सूरज भाई ने बोला है कि इनका एक रूममेट नहीं है तो उसके यहाँ पे रह लेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर कहीं ढूंढेंगे और कहीं घर। ये पता है ये यू टर्न मारी इस गाड़ी इसने बोला ना वो क्यों है, क्योंकि दो बार हमारे भाई बेघर हुए थे, दोनों बार मेरे घर पर रुका था ये 15-15, 20-20 दिन। एक महीना भाई एक महीना, हाँ एक बार तो एक महीना रुका है भाई। तो अभी वो जो कर्मा होता है ना ऐसे चक्र घूम के आ जाता है, तो अब यहाँ आ गया है तो अभी इसके यहाँ पे रुकूंगा मैं अब 16 मार्च के बाद में। ये बहुत स्ट्रगल है यार घर ढूंढना, देखते हैं हम। तो भाई मैं जा रहा हूँ बस अब इनके साथ महाराज के साथ, ये जा रहे हैं अपने जिम और मैं जाऊँगा पार्ट ट्रेन लूँगा 23rd Street से, इन्होंने बताया कि वो ज़्यादा पास में है तो वो लेके फिर घर, फिर शायद जिम जाएंगे हम भी और बस फिर आज तो थोड़ा टेंशन हो रहा है घर का कि भाई अब कैसे रहेंगे क्या करेंगे, देखते हैं क्या करना है सीन समझते हैं। तो अभी तो जिम चलते हैं, 5:15 हो रहे हैं, 6 बजे जिम बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं तो जाऊँगा वहाँ पर शावर लूँगा और स्टीम लूँगा बस ख़त्म उसके बाद। तो कुछ पार्सल आया देखते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली अमेज़ॉन का हब है, यहाँ पे है ना वो लोग पार्सल छोड़ के चले जाते हैं, आपको कोड एंटर करना है और फिर लॉकर खुल जाता है, जैसे वो खुल गया तो वहाँ पे अपना है वो डिलीवरी विलीवरी ऊपर, वो 10-30-15 माले की बिल्डिंग, पता नहीं 30 माले की बिल्डिंग है, वो 30 मालों में एक एक जगह जाएगा, इससे अच्छा यही कन्वीनियंट पड़ता है उसके लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। हर जगह नहीं है, बड़ी बिल्डिंगों में ही लगाए हैं उन्होंने, शायद ट्रायल कर रहे हैं क्या। गाइस आपने कभी बात नोटिस करी है यहाँ एक 13th floor नहीं है, 11, 12 और 14 यहाँ पे 13 को बहुत अनलकी माना जाता है, शायद इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे फ्लैट्स पे नहीं है मतलब अपार्टमेंट्स में, बट यहाँ पे बहुत अनलकी माना जाता है, मोस्टली कहीं भी नहीं होता, यहाँ 13 नंबर का रूम नहीं होगा या घर नहीं होगा 13 नंबर का। गाइस खाना वगैरह खा लिया है, कुछ आंखों में यहाँ नीचे नीचे कुछ मेरे को लग रहा है एलर्जिक रिएक्शन हो गया मेरे को, पता नहीं देखते हैं अब कल सुबह तक ठीक होता है कि नहीं। खाना मैंने बाहर से मंगवा लिया था, पाव भाजी मंगवा के खा ली थी, टाइम था नहीं बनाने का, वो कपड़े वपड़े पूरे फोल्ड करके रखे और इसके बाद वो घर का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अभी एक दो लड़के हैं इसी बिल्डिंग में रहते हैं उनसे बात हुई है, तो मैंने घर वर देखा नहीं और मैंने लीज एप्लीकेशन डाल दी, अब देखते हैं वो मिल गया तो ठीक है ख़त्म करेंगे ये बीमारी को। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।